सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जब भी मैं अपने कंटेंट को सेव करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मैं किसी भी कंटेंट को सेव करना चाह रहा हूँ तो कुछ इस तरीके का एरर यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं इस नंबर को सेव करता हूँ, सेव करने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड इसी तरीके का एरर आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं नो एप्लीकेशन फाउंड टू व्यू दिस कॉन्टेक्ट लिख कर आ रहा है। तो इसी प्रॉब्लम के बारे में आज को आपको बताने वाला हूँ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले इसको आपको आपको होम स्क्रीन पर अपने आ जाना है। होम स्क्रीन पर आने के बाद से आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है, और मोबाइल की सेटिंग को ओपन करने के बाद से आपको एक ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर आपको क्लिक करने के बाद से देख सकते हैं कि ऐप्स एंड नोटिफिकेशन लिख कर आ रहा है, और यहाँ पर सी ऑल यहाँ पर लिख कर आ रहा है, सी ऑल ऐप्स। दोस्तों, इस पर टाइप करने के बाद से देख सकते हैं जितना भी मेरे फ़ोन में जितना भी एप्लीकेशन वो सारा आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऊपर आपको थ्री डॉट मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से दो ऑप्शन आपके आपके सामने आएंगे, शो सिस्टम और आपको रीसेट ऐप्स, उस पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे वाले पर क्लिक करने के बाद रीसेट ऐप्स पर क्लिक कर देना है, और उस पर क्लिक करने के बाद से सिंपली आपको बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद से अपने मोबाइल को रीसेट कर देना है। रीस्टार्ट अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना है, और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो फ़ोन है रीस्टार्ट हो चुका है। उसके बाद से मैं चलिए अपने किसी भी नंबर को सेव करता हूँ, देखता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं चलिए यहाँ पर कोई एक रैंडम नंबर ले लेता हूँ। चलिए मैं इसी नंबर को ले टैप करता हूँ। टैप करने के बाद से चलिए इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर नंबर जो है सेव होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं नीचे टैप करता हूँ, नीचे वाले एड टू कॉन्टेक्ट इस पर टैप करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कोई यहाँ पर नंबर को मैं आसानी से सेव कर सकता हूँ फ्रेंड। तो आशा करता हूँ फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करिएगा, और इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड।